आज गुलबर्गा शहर में आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग प्रोग्राम और वॉलंटियर्स मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया था, कितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए और क्या मकसद आप लोगों का आम आदमी पार्टी का है आने वाले असेंबली इलेक्शन? मकसद तो यही है कि आम आदमी को अपना जो शक्ति है उसका परिचय देके हम लोग आम आदमी को इस बार इलेक्शन लड़वाएंगे, जिताएंगे और आम आदमी को न्याय दिलाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से सब कुछ हमारे राज्य में सेल पर है। एक प्रोफेसर का काम या पुलिस सब इंस्पेक्टर का काम, खुद मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो भी सेल पर है आज कर्नाटका में। तो जो सेल हो रहा है सिर्फ मुख्यमंत्री या पीएसआई या एक प्रोफेसर का काम की सेल नहीं हो रही, हमारी भविष्य का सेल हो रही है। तो आपने देखा होगा आज हजारों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सारे वर्ग के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग आज साथ आ रहे हैं ताकि इस राज्य का और इस देश का जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी गुंडे लोग हैं जो आज देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में बीजेपी सरकार कर्नाटका में, उनका काम कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं ताकि समाज में एक बंटवारा हो, एक नफरत फैलाने की काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोगों को प्यार से और मोहब्बत से साथ में आके ऐसे जो शक्तियां है उसको हम लोग हराएंगे। सर, जिस तरह से आम आदमी की पार्टी की शुरुआत केजरीवाल सर ने दिल्ली से की थी, दिल्ली में तमाम लोग फुल मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से, लेकिन जिस तरह से आपने कहा बीजेपी हमेशा टारगेट कर रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जब दिल्ली में आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी का भी हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर कई लोग नाराज़ हैं, इस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उस इशू पे खामोश नजर आ रहे हैं। जहांगीरपुरी का जो रायट्स हुआ उसके पहले किसका घर पे अटैक हुआ? खुद मुख्यमंत्री दिल्ली में सेफ नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक गुंडा एमपी है बेंगलोर साउथ का, तेजस्वी सूर्या, वो जाके खुद मुख्यमंत्री के घर पे, जब मुख्यमंत्री घर पे नहीं थे, उनके बूढ़े माँ बाप थे, ऐसे समय में उनके घर पे अटैक किया। आपने पूरा देश ने देखा है कि ये बीजेपी जो आज के बीजेपी है वो गुंडे लफंगे की पार्टी है, और जितना जल्दी हम उनको उखाड़ के फेंकेंगे उतना अच्छा होगा देश के लिए। क्योंकि सब लोग ये मत सोचो कि किसी एक धर्म के लोग टारगेट हो रहे हैं, वो हिंदू से प्यार नहीं करते, मुस्लिम से प्यार नहीं करते, सिर्फ एक तरफ के लोग मुसलमान को वोट के लिए और उनके राजनीति के लिए उपयोग किया इतने साल। आज बीजेपी हिंदुओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल प्यार है। आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में हिजाब का मुद्दा चल रहा था, मुद्दा तो हिजाब की और जो कपड़े की बात नहीं है। कर्नाटक के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं 64% स्कूल में वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो ये सोच लो कि अगर टॉयलेट नहीं है तो हमारे हिंदू बेटियाँ भी वहाँ पे स्कूल में नहीं जाएंगी। तो मुद्दा कपड़े का नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारे सरकारी स्कूल को बहुत एक गंदी तरीके से रख के वो लोग प्राइवेट अपने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये मुद्दे हमको उठाना है। आम आदमी पार्टी हॉस्पिटल अच्छे बना रही है, स्कूल अच्छे बना रही है, एजुकेशन के लिए काम कर रही है, हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं धर्म की राजनीति जो हो रही है, दंगे फसादात जो हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की खामोशी जो है वहाँ आवाम को जो है ना नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल कर्नाटक की बात की, यहाँ पर हिजाब का मसला हुआ, अजान का मसला हुआ, हलाल कट का मसला हुआ, इन चीज़ों पर भी
भी आप लोग किस तरह से रिएक्ट? हमने हलाल की बात जब आती है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का रोटी नहीं है। मुद्दा तो वो है, अगर सबके पास तीन वक्त का खाना मिल जाता है तब ये बात करेंगे कि मीट को ऐसा कट करना है वैसा कटना है। आज आम इनसे मत लेना करके बोल रहे हैं, मुसलमानों से आम मत लेना। आम का प्राइस इतना बढ़ गया है, 100 रुपया एक आम का, तो गरीब आदमी कभी आम ले ही नहीं पाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन बेच। जो ईमानदारी से काम और कर रहा है तो उनके बीच आना सरकार का काम नहीं है। हम हमेशा यही बोल के आ रहे हैं कि ये मत सोचो कि टारगेट एक मुसलमान को हो रहा है या हिंदू को हो रहा है। जो गलत है गलत है। एक हमको ये सोचना है कि एक इंसान की पे अटैक हो रहा है। जब तक हम लोग ये सोचेंगे कि मैं हिंदू हूँ मैं मुसलमान हूँ, हमेशा ये लोग हमारे में बंटवारे करके हारेंगे तो हम लोग ही। वो बहुत खुशी से जी रहे हैं, आम आदमी हार रहा है। आज आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर सही मुद्दे, जैसे मैंने बोला कि तीन वक्त का रोटी, गवर्नमेंट स्कूल का हालत, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत, हम में भी गरीब है, मुसलमान में भी गरीब है। हम में भी माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ के IAS डॉक्टर इंजीनियर बने। तो ये अगर मुद्दे हम लोग उठाएंगे तो सारे लोग साथ में आएंगे। तो जब साथ में आएंगे तो कोई ऐसे जो शक्तियाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमको बांट के राजनीति करे, वो बंद करना चाहिए। कल कर्नाटक में आने वाले असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह दूसरी तरफ आपके आम आदमी पार्टी के लिए ये मैसेज बताया जा रहा है, ये लोगों को दूसरी पार्टियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कर्नाटक में आने से BJP को फ़ायदा होगा। अगर इस देश पूरा देश में एक पार्टी है जो BJP और उनका राजनीति को रोक सकता है, वो है आम आदमी पार्टी। इस देश में एक लीडर है जो मोदी और अमित शाह जैसे लोगों से टक्कर ले सकता है, वो अरविंद केजरीवाल है। ये अभी जो हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी पंजाब जीता, बाकी 4 राज्य में हम लोग नया पार्टी है, छोटा पार्टी अभी तो शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या हुआ? तो आपको ये प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आप इतने पुराने पार्टी है, इतने शक्ति है आपसे, तो हार क्यों रहे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ कि इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि वो एक भ्रष्ट पार्टी है। एक टाइम में हमको स्वातंत्र के टाइम में बहुत उनका पार्टी अच्छा काम कर रहा था, लोगों के लिए बहुत काम किया, लेकिन आज का कांग्रेस वो पुराना कांग्रेस नहीं, भ्रष्ट कांग्रेस है। तभी कोई आज अगर BJP जीत रहा है तो कांग्रेस की वजह से जीत रहा है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर राहुल गांधी। आज जो मीटिंग हुई यहाँ पे, वॉलंटियर्स की मीटिंग हुई, ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गुलबर्गा की जनता? आज कुछ हजार लोग यहाँ पे आए, हम लोग एक बाइक रैली और पदयात्रा किए ताकि हम लोग कलबुर्गी के लोगों को एक संदेश दें कि झाड़ू वाले आ गए। अब सिर्फ कलबुर्गी नहीं, इस राज्य का राजनीति भी हम लोग साफ करें। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जनता ये जानना चाह रही है कि आने वाले इलेक्शन में क्या आपके कैंडिडेट्स यहाँ पर उतरेंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट में उतारेंगे या कैंडिडेट्स, आप कहाँ कहाँ आप लोग प्लान करें? पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, जब झाड़ू हाथ में लिया तो स्वच्छता करने के टाइम में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे कचरा नहीं छोड़ सकते, झाड़ू हाथ में लिया पूरा स्वीप करेंगे।